वैसे तो क्लच की प्लेटों की फिटिंग की वीडियो मैंने काफ़ी सारी बना रखी हैं, पर मेरे यूट्यूब चैनल पे राइडर 125 cc बाइक की क्लच प्लेट फिटिंग की वीडियो फर्स्ट टाइम आ रही है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली देख लिया, आई एम डैम श्योर है कि आप पूरी कम्प्लीट क्लच प्लेट खुद घर में औजार ला के फिट करना सीख जाओगे। अगर यकीन नहीं आ रहा तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, बिलीव मी आप एंड में चैनल सब्सक्राइब करके ही जाओगे, अदरवाइज नहीं जाओगे आप। ठीक है, तो ये बात सच है या झूठ है तो ये तो वीडियो को एंड तक ही पता लग पाएगा। ऐसे ऐसी जानकारियाँ दूंगा आपको, आप सोच भी नहीं सकते इस वीडियो के अंदर। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, ये राइडर 125 है बट मैं आपको काफ़ी सारी ऐसी रिलेटेड नॉलेज बताऊंगा जिसमें इसमें पार्ट जो है फिट कर रखे हैं अपाचे से रिलेटेड हैं और भी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड हैं। अब वो क्या है वो मिलेंगे वीडियो में। एक गुजारिश है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। स्टार्ट करते हैं। मैंने गन का उपयोग किया है, आप टीटोमी का भी उपयोग कर सकती हो, 8 नंबर की गोटी का। ठीक है, तो आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो फाइनली नट बोल्ट खुल चुके हैं और सबसे पहले छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, ये जो कैप है ना, ये जो वाली, ये वाला जो कवर है, ये कवर सिर्फ और सिर्फ कूलिंग के लिए दे रखा है। ये गाड़ी एयर कूल्ड है, ठीक है, और ये लिक्विड कूल्ड भी है। वैसे तो अगर बात की जाए इसकी प्लेट की, तो जब गाड़ी रोड पर चलती है तो सामने से हवा आती है, हवा इसके अंदर जाती है और इसके अंदर जाके इसमें पीछे की तरफ एक एल्यूमिनियम की प्लेट लगी हुई है जो कि इसके इंजन को कोल्ड करने के अंदर मदद करती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, थोड़ा सा प्रैक्टिकली कर लेते हैं। यहाँ पर इसका नट बोल्ट जो है इसका खोलता हूँ, क्लच कवर मैं बाहर निकाल लेता हूँ इसका। ठीक है, ये बिना किक की गाड़ी है, थोड़ा सा वैसे देखा जाए तो मैं किक होनी चाहिए थी, बिना किक की गाड़ी थोड़ा सा बाद में दिक्कत करती है। तो ये देखो, ये प्लेट आपको दिख रही होगी थोड़ी सी, जब इस पर हवा पड़ती है बहुत तेज़ी से तो ये ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के बाद हवा का जो प्रभाव होता है इससे कोल्ड हो जाती है और इंजन को ऑयल को कूल करती है। ठीक है, तो इससे इंजन को ठंडा करने में मदद मिलती है। ठीक है ना, और बाकी ये जो है ना, ये भी एयर कूल्ड में मदद करते हैं बहुत ज़्यादा। वैसे तो देखा जाए तो इसकी जो ऊपर की हेड की शेप की बात की जाए तो ये हेड की जो शेप है इसमें एंटॉर्क की लग रही है, जो टीवीएस की एंटॉर्क गाड़ी है, हमारी स्कूटी जो है वो एंटॉर्क की तरह लग रही है। तो अभी ये हमारे सेंट्रीफ्यूगल वेट के नट खोल लेते हैं हम 10 नंबर के फटाफट से। काफ़ी सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं गन कौन सी कंपनी है, सीपी गन है, सीपी मतलब न्यूमेटिक, सीपी की न्यूमेटिक गन शिकागो की। नट हमारा, वो बोल्ट हमारा खुल चुका है, एक बोल्ट और खोल लेते हैं। ये खुल गया हमारा बोल्ट, ये खुल गया हमारा बोल्ट, एक और बोल्ट खुल गया। अब इसकी जो कैप है इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये कैप बाहर निकाल ली हमने ये। ठीक है, तो भाई ये जो नट है काफ़ी ज़्यादा, क्या बात है, एक मिनट पास आना भाई, एक चीज छोटी सी दिखा रहा हूँ जरा। ये देखो इसका नट, देखो आधी चूड़ी चढ़ा हुआ है, ये देख रहे हो आधी चूड़ी चढ़ा हुआ है। अब ये समझ नहीं आ रहा है टाइट है या लूज़ है, अब वो तो जब पता लगेगा जब इसको मैं खोल के देखता हूँ। तो 17 नंबर की लगा के देखता हूँ गोटी। ये जो नट है मैंने एंटी क्लॉकवाइज नहीं खोला है, क्लॉकवाइज खोला है, जिधर घड़ी की सुई घूमती है उधर ये मैंने नट जो है खोला है, और जिधर घड़ी की सुई नहीं घूमती है उधर ये नट टाइट होगा। मतलब ये जो नॉर्मल नट खुलते हैं वहाँ ये टाइट होगा, जो नॉर्मल नट टाइट होते हैं वहाँ ये लूज होगा। ठीक है, तो ये नट मैंने बाहर निकाल लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको थोड़ी सी इसकी हालत। हालत तो ठीक है पर नट कुछ ज़्यादा ही ओवर साइज का दे रखा है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि नट काफ़ी ज़्यादा अंदर नहीं टाइट हो रखा, काफ़ी ज़्यादा बाहर टाइट हो रखा है। नट उठा मैं ज़रा, तो ये वार्सल इसमें लगी हुई है। ठीक है ना, बिल्कुल पल्सर की वार्सल है, क्लच की जैसे पल्सर में होती है, बजाज की पल्सर में। और ये स्टार सिटी का है तो सिमिलैरिटी थोड़ी सी रहती है इंजन के अंदर। अब बात करते हैं मेन हमारा इसकी, तो ये खोल लेते हैं हम इसके अंदर। इसमें एक बॉल होती है छोटी सी, मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ये भी। अगर ये आप नहीं लगाओगे गाड़ी में फिट करते समय तो आपकी गाड़ी का क्लच काम नहीं करेगा और आपको दोबारा से क्लच खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बॉल मैं वापस इसमें डाल देता हूँ। ये यामा FZ के अंदर थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है ना, और नॉर्मल गाड़ी में काफ़ी छोटी होती है। तो फटाफट से मैं इसकी क्लच की प्लेटें बाहर निकालता हूँ और देखता हूँ आगे का प्रोसेस। जब भी इसके बोल्टों को खोलो तो बोल्ट जो है आमने सामने खोलने चाहिए, ऐसे करके क्रॉस बाय क्रॉस, एक बार में एक बोल्ट मत खोलो। मैं दिखाता हूँ देखो कैसे, सबसे पहले गन को थोड़ा सा मैं हल्का सा प्रेशर कम कर लेता हूँ इसका, और उसके बाद देखो ये देखो, ठीक है, अब ये देखो, ठीक है, ये देखो, कोई बात नहीं, बोल बैरिंग जो है हमारा नीचे चले गया है अंदर, कोई बात नहीं, जाने दो। जो बैरिंग इसके डिब्बे में गिरा है वो अक्सर ऐसा होता रहता है, उसके लिए मैग्नेट पेचकस हमें लेते हैं और जो को डिब्बे में इस तरीके से डाला हमने और ये मैग्नेट पेचकस के द्वारा हमारा जो बैरिंग है ये बाहर आ गया है। तो ये अक्सर ऐसा होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसका फटाफट से मैं क्लच खोलता हूँ।
अब इसके मैं सारे बोल्डों को बाहर निकाल दूंगा, बहुत ही इजी। अब इसकी प्लेट जो है बाहर निकाल लूंगा। ये जो प्लेट होती है इसको बोलते हैं क्लच होल्डर प्लेट, क्लच होल्डर प्लेट है। ज़्यादातर गाड़ियों में एल्युमिनियम की आती है और कुछ कुछ गाड़ियाँ हैं जिनमें ये लोहे की आती है, ठीक है। यामा की जो FZ है, R15 है, इनमें ये नहीं होती है। ये है क्लच होल्डर बैरिंग, क्लच होल्डर स्प्रिंग, ठीक है। ये स्प्रिंग जब आपको लग रहा है कि क्लच बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, तो ये आप चेंज करके अपनी गाड़ी के क्लच को स्मूथ कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। ये है 19 की गोटी, ये लगेगी यहाँ पर। जैसे कि आपने देखा था, मैंने सेंट्रीफ्यूगल का बोल्ट खोला था, जो नट है हमारा उसको खोला था हमने क्लॉकवाइज, यानी कि जिधर नट टाइट करते हैं, पर इसका जो है जिधर नट खुलते हैं उधर ही खुलेगा ये, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं है। तो मैं दिखाता हूँ एक बार करके। ये मैंने गन लिया और इसको जब लग रहा है कि नहीं खुल रहा, तो पूलर ले सकते हो आप घूमने के लिए, पर पूलर की जरूरत नहीं है। ये गन काफ़ी ज़्यादा हैवी है, नट को आराम से खोल देती है, चाहे कितना भी नट टाइट हो। तो ये नट हमारा खुल चुका है, 19 नंबर का नट है। इसमें एक नट 17 नंबर का है, राइट साइड का, जो सेंट्रीफ्यूगल में है वो उल्टी साइड जो है टाइट होगा और सीधी साइड जो है लूज होगा, ठीक है। और एक नट जो है लेफ्ट साइड में है वो है हमारा 19 नंबर का, जो कि नॉर्मल जैसे सारे नट टाइट होते हैं वैसे ही ये टाइट होगा, ठीक है ना। तो अभी मैं इसी क्लच की प्लेटें बाहर निकालता हूँ असेंबली के साथ। ये वार्सल आउटसाइड दे रखी है हब के पास, और ये साइड जो वार्सल है ये बैक साइड दे रखी है हमारा जो सेंटर होता है उसके पास, ठीक है। मतलब एक तरह से पीछे की तरफ, हब के पीछे मोटी वार्सल पीछे है और पतली वार्सल आगे है। तो ये सेंटर है हमारा, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये सेंटर बिल्कुल सेम हमारा ये स्टार सिटी की तरह लग रहा है, और ये हमारा पूरा कंप्लीट क्लच है। क्लच की प्लेटें काफ़ी बुरी तरह ख़राब रखी हैं, तो भाई ये है हमारी क्लच प्लेटें हैं। प्रेशर प्लेट बहुत रेयर चांस होता है कि वो ख़राब हो, मतलब ख़राब होती नहीं एक तरह से देखा जाए तो, पर जो क्लच प्लेटें हैं बहुत बुरी तरह ख़राब हो गई हैं। तो ये है हमारी गाड़ी की क्लच की प्लेटें, और ये अपाचे गाड़ी की मुझे लग रही है ज़्यादा देखा जाए तो। बाकी एक बार आप कमेंट करके बताना आपको किस गाड़ी की लग रही है, ठीक है। तो ये वीडियो के मैं एंड में बता दूंगा मैंने कौन सी गाड़ी किसमें फिट करी है। राइडर के अंदर और भी जो इंजन में मॉडिफिकेशन हुए हैं ये बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी वाले हैं, जैसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एंटॉर्क से मिल रही हैं, कुछ कुछ चीज़ें स्टार सिटी से मिल रही हैं, और कुछ कुछ चीज़ें अपाचे RTR से मिल रही हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ये जो क्लच होजिंग है इसका, ये वाला, वैसे तो ये देखा जाए तो प्यार से बाहर आ रहा है, बट अगर बात की जाए इसकी शेप की तो ये कुछ कुछ अपाचे RTR से मिल रहा है। ऐसा नहीं कि अपाचे का लगेगा, मिल रहा है। हाँ, क्लच की प्लेटें अपाचे से मिल रही हैं या नहीं मिल रही, या अपाचे की लग रही नहीं लग रही, ये मैं आपको वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। तो फटाफट से वॉश करते हैं और इसको फिट करते हैं और आगे की कहानी जानते हैं, और एक छोटी सी ट्राई के साथ आपके मिलते हैं। तो फाइनली क्लच प्लेटें आ चुकी है, ठीक है। अब ये कौन सी गाड़ी की ये तो मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा, आपको पूरी वीडियो देखनी है। ये हब है इसका और ये क्लच प्लेटें हैं। क्लच प्लेटों को इस तरीके से कुछ फिट करना है, और जो प्रेशर प्लेट है मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल ये जो सरफेस है हमारी, ये वाली सरफेस फ्लैट है और ये कर्व है, तो हमें कर्व ऊपर रखनी है, ठीक है। इस तरीके से करना है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से करना है, ठीक है। और ये क्लच प्लेट हमारी लग जाती है इसके अंदर, पार्ट नंबर दिखना चाहिए आपको, और वही सिमिलर तरीके से रखना है इसको आपको, ठीक है। ये मैंने रख दिया इस तरीके से, एक क्लच प्लेट, एक प्रेशर प्लेट, एक क्लच प्लेट, एक प्रेशर प्लेट। सबसे पहले जो होगी वो होगी क्लच प्लेट, उसके बाद होगी प्रेशर प्लेट, तो एंड में क्लच प्लेट ही ऊपर आती है। ये हो गई हमारी कंप्लीट असेंबली। जब आप इसे फिट करोगे ऐसे हो जाओगे, तो आपने प्रेशर प्लेट उल्टी लगाई है, तो आपको यहाँ से देखेगी सीधी, क्योंकि यहाँ इस तरीके से फिट होगा, तो इसका मतलब फ्रंट वाला हिस्सा हमारे को कर्व वाला मिलेगा। क्लच प्लेट हो, ये प्रेशर प्लेट होगा, ये हो गया हमारा सेंटर। सेंटर बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास है। तो ये सेंटर को फिट कर सकते, हमें ये चीज़ चेक करनी है जब हम सेंटर को फिट कर रहे हैं, तो ये ज़रूर चेक करना है हमें। अगर ये प्ले नहीं होगी तो आपकी गाड़ी में गियर अटकने की समस्या बहुत ज़्यादा आएगी। तो ये कंप्लीट असेंबली हमारी तैयार हो चुकी है, अब इस पर हम कपड़ा मारते हैं तरीके से। वैसे मार चुके हैं, एक बार और मार देते हैं, और ये हमने पूरा कंप्लीट कपड़ा मार लिया है। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ की सफाई कर लेनी है। जैसे कि इसमें वार्सल निकली थी मोटी वाली, तो उस मोटी वाली वार्सल को हमें लगाना है। ये मोटी वार्सल जो है यहाँ लगेगी इस तरीके से कुछ, ठीक है। ये लग जाएगी यहाँ पर, आप इसे पलट के भी लगा सकते हो। वैसे फ्लैट वाला जो पार्ट है वो अंदर की तरफ रहेगा, और कर्व वाला बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है ना। तो मैं इसके फ्लैट वाले पार्ट को अंदर लगा देता हूँ, और ये हमारा क्लच कवर है, इसको हम साइड में रखते हैं फिलहाल, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं, वार्सल लग चुकी है, क्लच होजिंग बिल्कुल ठीक है, असेंबली तैयार हो चुकी है। तो बैकग्राउंड में थोड़ी वॉइस आ रही होगी ठुक ठुक पीट की, तो इसको थोड़ा ध्यान देना। थोड़ा पास आके दिखा देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। जो सबसे लास्ट वाली प्लेटें होगी वो जो है हमारी किसी और जगह जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जाएगी। ये प्लेटें जो हैं यहाँ पर इस तरीके से, ये ऐसे करके ये हमारी ये फिट हो गई, ठीक है, कुछ इस तरीके से फिट हो गई है।
अब ये प्लेट हमारी कंप्लीट फिट हो चुकी है, क्लच की प्लेट है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक और वार्सल लगा देंगे, जैसे कि निकली थी ये वार्सल हमारी निकली थी, तो हम इसको लगा देते हैं, ठीक है ना। एक वार्सल और होती है ये वाली, ये यहाँ लगेगी, दोनों सिमिलर है, कोई सी भी कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा नट लगा था 19 नंबर का, नट कैसे टाइट होगा मैं बता देता हूँ। नट होगा ऐसे टाइट, ये ऐसे टाइट होगा ना, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल नट टाइट होते हैं वैसे होगा नट टाइट, ठीक है ना। इसका आपको ध्यान रखना, पिछली बार हमने देखा था खोलते समय ये थोड़ा सा घूम रहा था, तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, ये लेना है पूलर, ठीक है, ये पूलर हमें लेना है और ये पूलर को जिस तरीके से हमें लगा देना है, ठीक है। अब हम गन का यूज़ करेंगे और 19 नंबर की जो गोटी है हमें लगानी है और नट टाइट करना है। कैसे करना है मैं बहुत दिखा देता हूँ, सिंपल है। अगर आपके पास गन नहीं हो तो हाथ से कर सकते हो, ये हमारा, ये ऐसे इसको इस तरीके से पकड़ना है ऐसे करके और टाइट कर लेना, ये देखो, देखते जाओ, ये फर्स्ट क्लास टाइट हो चुका है। आदत है, टॉर्क का इस्तेमाल नहीं करता, रीज़न क्योंकि आदत पड़ी हुई है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान में कोई भी टॉर्क का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, टॉर्क पावर रेंच का। तो ये हमारा फर्स्ट क्लास, जब ये फिट हो जाए तो आपको उसको देखना है, ये लूज़ है नहीं है, अगर ये फ्री है नहीं है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी गाड़ी में क्लच प्लेट सही तरीके से फिट नहीं हुई है। तो अभी बिल्कुल बढ़िया फ्लैट हुई है क्योंकि ये फर्स्ट क्लास फ्री है, फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारी होल्डर बैरिंग जो हमारी स्प्रिंग है वो ले लेते हैं, क्लच होल्डर स्प्रिंग, ठीक है, जो हमारे सेंटर में लगेंगी, ठीक है ना, तो वो जिस तरीके से ये फिट हो जाएंगी, ठीक है ना। अब ये हमारा है क्लच होल्डर प्लेट, ठीक है, इस पर कपड़ा मार लेते हैं और फटाफट से इसको फिट करते हैं। तो ये हमारे क्लच होल्डर प्लेट है और ये हमारे इसके बोल्ट हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, आमने सामने लगाना है हमें, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। और थोड़ा बाहर की तरफ खींच लेना हल्का सा, ध्यान रहे ये लगाते समय आपको स्प्रिंग का ध्यान देना, अगर आपने गड़बड़ कर दी हल्की सी भी तो ये बोल्ट टाइट करते ही इस जो बोल्ट स्प्रे ये प्लेट है ये टूट जाएगी तुरंत ही। और एक बार ये प्लेट टूट गई तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी होगी सामान ढूंढने में। छोटी वाली टीटो में मैंने इस्तेमाल की है इसके लिए, ताकि मुझे आसानी हो जाए बोल्ट प्लेटों को सही तरीके से बैठाने में, ठीक है ना। मैं चाहूँ तो गन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, पर मैंने जानबूझ के नहीं किया, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ, ठीक है। ये वाली प्लेट हमारी सेट हो गई ऊपर की, अब देखो एक मेरी उंगली कहाँ पर है स्प्रिंग को सेट करने में, ठीक है। तो ये देखो हमारी ये सेट हो गई, अब ये हमने एक और सेट कर दी है, ठीक है। अभी क्या हुआ, हमारी दो स्प्रिंग ऊपर की सेट हो गई है, अब ये साइड की स्प्रिंग हम देख लेते हैं। ये हमारी स्प्रिंग है साइड हो गई है, और ये स्प्रिंग हमारी अभी ये हम साइड कर देते हैं। तो ये हमारी पूरी कम्प्लीटली सेट हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये हम इसको बहुत ही सिंपल वे क्लच प्लेट फिट करने का मैं आपको समझा दे रहा हूँ वीडियो में, कहीं आप बाद में बोलो। अगर आपकी कोई क्वायरी हो तो एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना, ताकि मैं अच्छे से समझ सकूँ आपको, क्योंकि आप मेरे प्यारे बंधु हो। और अभी जल्दी जाओ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बटन दबा दो, ठीक है। देखते जाओ किस तरीके से मैं टाइट कर रहा हूँ बोल्ट को, ठीक है ना? ये हो गई पूरी कंप्लीट टाइट। अगर आपने स्प्रिंग पे ध्यान नहीं दिया तो इतना टाइट करने पर ये प्लेट यहाँ साइड से चटक जाएगी और आपकी गाड़ी में आगे जाके दिक्कत आएगी, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया था बाद में, ये पहले सेंट्रीफ्यूगल है हमारा, ये सेंट्रीफ्यूगल का काम क्या होता है, जब ये हमारे जो क्रैंक होता है इस वाले हॉल के अंदर ऑयल जाता है फिल्टर होके, तो इसको हम क्लीन कर लेते हैं कपड़ा मार के। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, फिर भी मैं कपड़ा मार के क्लीन कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो ये हमने काफ़ी ज़्यादा क्लीन कर लिया है। इसमें कट का निशान आप देख रहे हो, ये वाला कट का निशान, इस वाले कट के निशान से अटैच होगा ये, ये देखो ये रहा कट का निशान, देखिए ये वाला यहाँ कट का निशान आएगा, ये वैसे ही बैठेगा जैसे कट का निशान आता है, बैठ गया, ये हिलेगा नहीं घूमेगा नहीं, ठीक है। तो अभी हमारा एक वार्सल लगेगी इसके अंदर वाली, देखो, ठीक है। अब ये हमारा जो है ये जो फ्लैट वाला सरफेस है, इस तरीके से वार्सल हमारी लगेगी, और ये जो हमारा 19 नंबर का, ये 17 नंबर का हमारा नट था, नट मेरे को थोड़ा सा बेकार लगा क्योंकि नट जो है काफ़ी ज़्यादा बाहर निकला हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कुछ, अच्छा हाँ मैं तो भूल ही गया तो ये इस तरीके से नट टाइट करना है, ठीक है। ये उल्टी चूड़ी का नट है जैसे कि मैंने बताया था आपको। अब मैं गन का इस्तेमाल करूँगा उल्टे तरीके से, ये हमारा जिधर नट घूमेगा उधर नट टाइट करना है। हाथ से पकड़ लेता हूँ, वैसे तो गलत है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप हाथ से ना पकड़ें, अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी उंगली अंदर दब जाएगी और कट जाएगी, तो ऐसा ना करना, आप ऐसा मत करना, मेरे को एक्सपीरियंस है इसलिए मैं कर रहा हूँ, वरना आप मत करना। अगर आपको इस पर एक्सपीरियंस है तो बात अलग है। ये है क्लच सेंट्रीफ्यूगल की प्लेट, ठीक है, कुछ इस तरीके से लगेगी है। ये हमारा यहाँ बोल्ट लग जाएंगे 10 नंबर के 4 सॉरी 3, 1 2 और ये 3, ये 10 नंबर के 3 नट लगेंगे यहाँ पर, ये रहे
ठीक है ना। तो ये हम तो ये हमारे नट जो है यहाँ पर, सॉरी बोल्ट, बार बार मिसअंडरस्टैंड हो जाता हूँ इस चीज़ को लेकर, बोल्ट नट बोल्ट वैसे तो मुझे पता है पर बोलने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी, कोई नहीं, छोटा मोटा थोड़ा मोटा होना चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये हमारी गोटी जो है ये खुद ही बनाई थी हम लोगों ने, तो ये हमारा जो बोल्ट है टाइट हो चुके हैं, ठीक है। अब इसको और टाइट करने के लिए गन यूज़ कर लेते हैं, हम गन को सेंटर में रख लेते हैं ताकि बोल्ट जो है कम टाइट हो और छुरी स्लिप ना हो, ठीक है ना। तो ये पूरा कंप्लीट क्लच की प्लेटें फिट हो चुकी हैं, अब ये हमारा होल्डर बैरिंग लगेगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें चोट नहीं मारनी है, अगर आप चोट मारते हो तो आप बहुत बड़ा मूर्खता कर रहे हो, प्यार से मोहब्बत से फिट होगा ये। तो ये हमारा कंप्लीट क्लच फिट हो चुका है, अब हम इसमें क्लच कवर लगा देंगे। तो सारी जानकारी आपने समझ ली है, अब इसको फिट करते हैं क्लच की प्लेटों को। क्लच कवर हमारे पास हाथ में है, इसमें बॉन्ड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, अगर आपकी जो पैकिंग है बिल्कुल ठीक है तब, अगर आप नई पैकिंग का इस्तेमाल कर रहे हो और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, इस पर निशाना रखे हैं, तो आप बॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। बॉन्ड आपको हमेशा वाटर बॉन्ड यूज़ करना है जो ट्रांसपेरेंट होता है, रबड़ की तरह होता है, आपको वाइट कलर का बॉन्ड यूज़ नहीं करना जो बॉन्ड वाइटनेस के निशान पैदा कर देता है, बहुत भद्दा लगता है वो, ठीक है, तो उससे पेंट भी ख़राब हो जाता है गाड़ी का। तो अभी फटाफट से इसको पैक करते हैं। जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसमें एक बॉल होती है तो उसका ध्यान रखना है, और इसको ठेसी बोलते हैं, एक तरह से होल्डर प्लेट की ठेसी बोलते हैं, और इसके अंदर क्लच की ठेसी होती है। तो अभी इसको हिला कर देखता हूँ, इसमें आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये है कि इसमें बैरिंग हमारी बॉल है। तो अभी इसको इस तरीके से फिट करते हैं हम, ठीक है, और हमारी ये क्लच कवर इस तरीके से लग जाएगा। तो ये हमारा क्लच कवर इसमें लग गया, अब हम एक नट टाइट कर देंगे और उसके बाद ईजिली इसको फिट करेंगे। बहुत ही सिंपल भाषा में आपको मैंने क्लच की प्लेटों को डालना बताया है। अगर उस वीडियो आप देख रहे हो और आपने सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई साहब दिल टूट जाएगा मेरा, कसम से कह रहा हूँ मैं। सब्सक्राइब कर लो जल्दी से आप, क्योंकि यार एक गाड़ी करना ना और एक गाड़ी करते करते वीडियो बनाना बहुत टफ होता है भाई, हलवा लगता है लोगों को, हलवा पता नहीं क्यों हलवा लगता है, पता नहीं, समझ नहीं आता। अच्छा एक चीज़ और है, इंस्टाग्राम पर बहुत सारी जानकारी देता रहता हूँ, इंस्टाग्राम पर वीडियोज़ भी शेयर करता हूँ, रील्स वीडियो शेयर करता हूँ, तो आप चाहो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। यहाँ तो 10-10 मिनट की वीडियो होती है, पर इंस्टाग्राम पे 15-15-20 सेकंड में मैं नॉलेज शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्लच फिट हो चुका है। आप मेरी वर्कशॉप पे आना चाहते हो तो मेरी वर्कशॉप पे आ सकते हो, मेरी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और मेरी वर्कशॉप आपको देखी है, जो काम कराना है आप करा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेके आना, मंगलवार को वर्कशॉप मेरी बंद रहती है। तो मैंने इसका क्लच खोला और क्लच खोल के मैंने एक चीज़ समझी कि इसमें जो क्लच प्लेटें डाली गई हैं वो टीवीएस अपाचे की डाली हुई हैं, टीवीएस अपाचे 160 सीसी की क्लच पे डाली गई हैं अपाचे की, ठीक है। तो ये अपाचे की क्लच पेड है, ये इसमें मैं डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये एकदम सिमिलर है, आप अपाचे की क्लच पेड खरीद के राइडर में 125 में डाल सकते हो, ठीक है भाई। इसमें टोटल जो पांच प्लेटें डलती हैं, क्लच की प्लेटें पांच होती हैं, और जो प्रेशर प्लेट है वो डलती है, टोटल चार प्लेटें होती हैं, ठीक है। इसका एक प्रॉपर रिव्यू है, इसका पूरा रिव्यू सेंड करूँगा आपको मैं, मतलब वीडियो दिखाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।